हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट एट सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पे जो है दोस्तों स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और यहाँ पे मैनेजर, वॉचमैन और भी कई तरीके से पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे टोटल यहाँ पे आपका 7 प्रकार के पोस्ट हैं। ठीक है, 7 तरीके की पोस्ट हैं और यहाँ पे हम पूरा देखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और यहाँ पे फीस क्या रखी गई है और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सैलरी कितना दी जाएगी, सब कुछ हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। वैसे ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, फिर भी जितना है वो हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम पहला जो है देख लेते हैं उसको, यहाँ पर देखेंगे देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर, डिजिग्नेशन, टोटल वैकेंसी, वैकेंसी रिजर्व रिजर्व फॉर एप्लीकेंट। ठीक है, यहाँ पे पूरा दे दिया गया। पहले हम देखेंगे स्टेनोग्राफर का, यहाँ पे 4 पोस्ट है, जनरल, अनरिजर्व। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है। यहाँ पे दोस्तों जो है आप मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के लिए है, तो यहाँ पे कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन का भी बात करेंगे तो यहाँ पे फिर देखेंगे रूम ऑर्डिनरी, फिर मेस, वेटर, मैनेजर, वॉचमैन, गार्डनर, हाउस कीपर। ठीक है, सभी के लिए है। तो इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। और इसका दोस्तों ये फॉर्म जो है आपका ऑफलाइन अप्लाई होगा। ठीक है, और इसका जो है पोस्टल जहाँ पे आपको भेजना है वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कहाँ पे आपको भेजना है। और लास्ट डेट जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो लास्ट डेट रखा गया है, जिस दिन पब्लिश हुआ है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, ये पब्लिश हुआ है दोस्तों, तो वहाँ से ये नोटिफिकेशन मिला है। तो जिस दिन ये पब्लिश हुआ है उसी के 21 दिन के बाद लास्ट डेट है इसका। ठीक है, 21वें दिन के बाद लास्ट डेट है, 21 दिन के पहले पहले आपको वहाँ पे भेज देना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका स्टेनोग्राफर का, तो आपका 10+2 यानी कि इंटर पास होना चाहिए। और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट जो होगा दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न का बात नहीं किया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे स्किल टेस्ट जो होगा आपका 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगा, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपका 50 मिनट इंग्लिश वालों के लिए, 65 मिनट हिंदी वालों को दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 18 से 25 साल। ठीक है, 18 से 25 साल, द कैंडिडेट शुड बी 18, देखिए 18 से कम ना हो और 25 से ज़्यादा ना हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी आपका लेवल 4 दिया जाएगा, 25,500 से 81,100 रुपये लेवल 7 CPC के हिसाब से आपको दिया जाएगा सैलरी। उसके बाद दोस्तों जो भी अलाउंस हैं वो सब आपको जैसे जिस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, उस पूरा जितना भी है ग्रेड पे के हिसाब से आपको जितने भी अलाउंस हैं सारे दिए जाएंगे। उसके बाद रूम ऑर्डिनरी का है, फिर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करेंगे, अगर आप इच्छुक हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जैसे मैं स्वेटर का हो गया, फिर यहाँ पे आगे जो डी से जी तक का है उसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे देख लेते हैं जनरल, यहाँ पे कंडीशन दे दिया गया है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए प्रोसेस दिया गया है कि 4 पासपोर्ट साइज, यहाँ पे फोटो वगैरह सब कुछ दे दिया गया कि क्या क्या कैसे करना है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको प्रोफार्मा भी मिल जाएगा कि प्रोफार्मा कैसे है, किस फॉर्मेट में आपको भरना है, किस फॉर्मेट में आपको भेजना है। ठीक है, आगे देखते हैं पोस्ट इन परमानेंट सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल। ठीक है, आपको अपना जो है भेजना है वो अपने आप ही भेजना है, कहने का मतलब ये है दोस्तों। कैंडिडेट बिल इंक्लूड द सेल्फ एड्रेस इनवेलप, और यहाँ पे आपको 25 रुपये का स्टैंप लगाना है। ठीक है, 25 रुपये का स्टैंप लगाना है। फिर आफ्टर सिलेक्शन इंक्लूडिंग टू फोटो प्रोविजन, टू प्रोविजन ईयर, यहाँ पे जो दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा गया है उनके लिए कहा गया है। फिर आगे दोस्तों आपका हो गया प्रोफार्मा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि बता ही दिया गया कि 21 दिन बाद इसका लास्ट डेट होगा। फिर यहाँ पे आपका कॉल लेटर जो होगा, कॉल लेटर फॉर द टेस्ट विल बी सेंड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जो भी शॉर्ट लिस्ट, यहाँ पे जो कैंडिडेट इसमें
वहाँ पे ये आयोग डिसाइड करेगा कि कौन कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हैं, यहाँ पे उनको फिर यहाँ पे भेजा जाएगा, कॉल लेटर भेजा जाएगा, फिर यहाँ पे आपका हो गया प्रोफार्मा, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्रोफार्मा आपका रहेगा जो आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम भर देना, पिता का नाम, सेक्स और आपका परमानेंट एड्रेस, पोस्टल जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे आपका परसेंटेज जो है आपका, फिर यहाँ पे आपका टाइपिंग स्पीड क्या है, शॉर्ट हैंड स्पीड क्या है, सब कुछ आपको भर के, फिर उसके बाद परसेंटेज आपका इंटर में क्या था, फिर उसके बाद आपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे जो जो अदर एक्सपीरियंस वाले हैं दोस्तों वहाँ पे क्या है, इस सब का भरना है। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों फॉर ऑफिस यूज ओनली, ठीक है, ये ऑफिस के लिए ही है, तो आप लोग इसमें कुछ मत कीजिएगा, अगर कुछ करना भी है तो नाम और पिताजी का नाम भर दीजिएगा, उसके बाद ये आप अपना वो अपने आप से ही कर लेंगे, ठीक है। डेट, रिटर्न टेस्ट, ये सब वो वही देखेंगे। आई होप दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, कुछ भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।